इंडिया खबर दिल्ली से। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी प्रधान मनजीत सिंह जी के अक्सर गुरुद्वारों की सुंदरता और उनके अंतर्गत चलने वाले स्कूलों को बेहतरीन बनाने के लिए अक्सर नए नए फॉर्मूले आजमाते हैं। आज ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सूर्य किरणों से बिजली बनाने की ओर बढ़ गई है, जिसमें संगतों के पैसों की बचत होगी, वातावरण को बचाने में अहम भूमिका अदा भी होगी। यह ऐलान दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी प्रधान मनजीत सिंह जी के ने किया, जिन्होंने आज केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के साथ इस मामले में मुलाकात की। जीके के साथ इस अवसर पर लोकसभा सदस्य प्रेम सिंह चंदूमाजरा एवं दिल्ली कमेटी सदस्य हरजीत सिंह जी के मौजूद थे। आइए सुनते हैं मनजीत सिंह जी के को। एनवायरमेंट, इन सारी चीजों का ध्यान रखना और इसका बचाव करना, जिस तरीके से दुनिया के अंदर डेवलपमेंट चल रही है, हर लिहाज से वातावरण इफ़ेक्ट हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, ओजोन लेयर की बात हो रही है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक नई पहल करी है कि हम सोलर गुरुद्वारा बंगला साहब और गुरुद्वारा रकाबगंज साहब, जहाँ पे 50,000 आदमी आके भी रात को रुकता है, संगत दिन में लाखों की गिनती में आती है, कितना लंगर पकता है, कितने एसी चलते हैं, कितना कुछ और होता है, ये सारा बहुत बड़ी बिजली का बोझ इन गुरुद्वारों पे पड़ता है। हम उसको सोलर करने जा रहे हैं और उसके लिए जो फॉर्मेलिटीज़ हैं हम पूरी कर चुके हैं। आज जो रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं श्री आर के सिंह, उनको सरदार प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी के साथ और हरजीत सिंह जी के, जो इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, आज उनसे मुलाकात हुई थी और उनकी मिनिस्ट्री में जो हमारे को परमिशन और क्लियरेंस चाहिए उसके लिए हम मिले थे। और बहुत जल्द हम दिल्ली के लोगों को, गुरु की संगत को तो ये तोहफा देंगे, दिल्ली के लोगों को हम बताएंगे कि गुरु घर जो हैं या मंदिर जो हैं, मस्जिद और गिरजाघर जो हैं, अगर ये भी एनवायरनमेंट की अवेयरनेस लोगों में, संगतों में लाना शुरू कर दें, तो शायद बहुत बड़ी जो समस्या है उसका हल निकल सकता है। मैं समझता हूँ कि हमारा यहाँ तकरीबन 1 मेगावाट का लोड है दोनों गुरुद्वारों को मिला के। हम उस लोड को जो है सारा बिजली से हटाकर सोलर पे ले जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ लंगर का जो वेस्ट निकलता है, जो लंगर का प्रोडक्ट जो निकल जाता है बाद में, उसको हम कैसे रिसाइकल करके उसको हम कैसे यूज़ में ला सकते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ कुकिंग होती है वो लकड़ों से हटा कर हम गैस पे ले गए थे, लेकिन हम इसके बाद जो अगली टेक्नोलॉजी है स्टीम की, जिसके अंदर कम से कम एनर्जी लगे, उसकी तरफ गुरुद्वारा कमेटी जो है वो अग्रसर हो चुकी है। सो आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत बड़ी जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, वो सारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगे। हम कह सकेंगे कि जहाँ पे निशान साहब लगा है यहाँ पे एनवायरनमेंट ग्रीन है। और जब बंगला साहब या दरबार साहब, जो सिखों का सबसे बड़ा और मुकद्दस स्थान है, जब दरबार साहब अमृतसर और बंगला साहब से कोई चीज़ होती है, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान भर में कोई 12-15 हज़ार गुरु स्थान हैं, वो सब फॉलो करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज जाएगा, गुरुद्वारों से मैसेज जाएगा, और ये मैसेज फिर मंदिर भी फॉलो करेंगे, गिरजाघर भी फॉलो करेंगे, मस्जिदें भी फॉलो करेंगे। देखिए, इसमें हमने जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कंपनीज़ के टेंडर किए थे, उसमें से कंपनी हमने फाइनल करी है। इस वक्त जो हमारे को लगता है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो हमने उस कंपनी से टाई अप करी है, इन्वेस्टमेंट सारी वो कंपनी करेगी। इसका बजट 4 से 5 करोड़ रुपये का करीब का होगा। जो गुरुद्वारे को बिजली हमारे को 9 रुपए से लेके 10.5 रुपए यूनिट अलग अलग, उसकी किसी मीटर पे कुछ है, किसी मीटर पे कुछ है, जो हमें अगर हमारे को सब्सिडी गवर्नमेंट की मिल जाती है तो हमारे को 3.80 रुपए कॉस्ट करेगी। एक तो गुरु घर की गोलक भी बच गई और एनवायरनमेंट भी बच गया, और
अगर हमारे को सब्सिडी नहीं मिलती तो ये 1 रुपया महंगी हो सकती है, 4.80 रुपये के करीब या 4.50 रुपये के करीब हो सकती है, लेकिन हमारा पूरा जोर है कि हम इसकी सब्सिडी लें। मैं समझता हूँ जो गुरु की गोलक बचेगी वो फिर गरीबों के भले के लिए, संगत के भले के लिए उसका यूज किया जाएगा। देखा जाए तो ये एक अच्छी सोच है। ऐसे प्रणाली से जहाँ पैसों की बचत होती है तो वहीं वातावरण को सुधारने में एक बड़ा कदम भी साबित होता है। दिल्ली से अमित महाजन की रिपोर्ट, आप देखते रहे वॉइस ऑफ इंडिया।